सर्विसेज, दोनों टीमें डिफेंस और ऑफेंस में उतनी ही तगड़ी है। एज एक्सपेक्टेड स्लो स्टार्ट होगा मैच, लेकिन जैसे मैच बढ़ता जाएगा वैसे एक्शन देखने को मिलेगा। और यह पहली बार बहुत ही सॉलिड एंकल होल्ड सुकेश हेगड़े का। मोनू गोयत ने एंकल होल्ड किया, शायद अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। सर्विसेज की टीम ने अभी अभी महाराष्ट्र के अगेंस्ट कर्नाटक खेल चुकी थी और सुकेश हेगड़े हर रेड में लगभग बोनस स्कोर कर रहे थे और इसीलिए एंकल होल्ड के लिए बिल्कुल तैयार थे मोनू। गौतमी, शुरू के कुछ रेड्स में अगर अच्छा रेडर टैकल हो जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसी से उभर के सर्विसेज के लेफ्ट कॉर्नर महेंद्र और राइट कॉर्नर नितेश, राइट कवर पे द वॉल सुरजीत जो इंडियन टीम के लिए भी राइट कवर पे खेलते हैं, और इस तरह मोनू गोयल का सुपर्ब टो टच और वो भी शब्बीर बापू के बहुत ही इजी बॉडी लैंग्वेज। फिर एक बार प्रशांत राय, डू और डाई रेड में प्रशांत राय एंकल होल्ड से तो बच गए थे, लेकिन आगे से बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन आया लेफ्ट कवर। चार का डिफेंस, चारों ही डिफेंडर्स कर्नाटका के कोर्ट में। मोनू गोयत, उनके आगे के अटैक बहुत स्विफ्ट होते हैं, बहुत स्पीड से सामने वाले कॉर्नर के ऊपर अटैक करते हैं और लॉबी का फायदा लेते हुए मिडलाइन तक पहुंचने में मस्त, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ दूसरा सोचा था। लेफ्ट कवर में चेंजेस यहाँ पे सर्विसेज के, सुरजीत जो हमेशा कवर खेलते हैं, राइट कवर खेलते हैं, सेकंड मैन राइट इनके तहत खड़े हैं। बहुत अच्छी कोशिश थी इस बार महेंद्र की, थोड़ा सा गैप मिला था लेकिन तब तक, और फिर रेडर पे प्रेशर आना शुरू होता है। राजू, ये अच्छी कोशिश थी लेकिन बहुत आगे था अटेम्प्ट। ये मैंने अभी बोला था कि डिफेंस का काम होता है, शुरू है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कर्नाटक वापस कंसोलिडेट होके आ सकती है। आनंद वी कर्नाटका से रेड के लिए अकेले बचे हैं आनंद और फंस गए। महेंद्र सिंह, अच्छा चेन टैकल। गौतमी, आपने नोटिस किया, रिप्लेसमेंट किया था, सब्स्टिट्यूट करके इनको लेके आए थे, लेकिन वो भी लेफ्ट रेडर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर्विसेज के लिए। 9 पॉइंट का लीड मैच के शुरू में ही लेना बहुत मनोवैज्ञानिक मनोबल बढ़ा रहा होगा सर्विसेज की टीम का। बिल्कुल राजू, और इसीलिए मोनू गोयत भी फ्री होके रेड कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इस तरह मोनू गोयत आसानी से पॉइंट स्कोर करते ले, क्योंकि पैनिक होके नहीं चलेगा, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। कबड्डी में आपको पूरा परिस्थिति का अंदाजा होना चाहिए, कितना लीड है, कितने टाइम बचा हुआ है। और इस दौरान गुरुनाथ मोरे ने इस बार टैकल कर लिया है शब्बीर बापू को, लेफ्ट इनसे बढ़िया था गुरुनाथ मोरे का, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, एक दो टैकल होने के बाद भी उनके रेड की लय नहीं बदलती, तो इतने कंसिस्टेंटली खेलते हैं। पिछले कई टूर्नामेंट में देखा गया है कि बाकी रेडर, मैंने उन्हें राइट से रेड करके देखा है, कई बार लेफ्ट से रेड करके भी मोनू गोयत पॉइंट स्कोर कर लेते हैं। इस बार प्रशांत राय ने लेफ्ट कॉर्नर को अपना निशाना बनाया और सक्सेसफुल हुए। सुरजीत थोड़े से शायद लूज थे, यही धोखा है सर्विसेज के लिए कि इतना लीड आया है, अब थोड़ा सा वो रिलैक्स हो सकते हैं और यही महंगा पड़ सकता है, कर्नाटक के रेडर्स उसका फायदा उठा सकते हैं।
डू और डाई रेड में गुरुनाथ मोरे, पॉइंट स्कोर करना होगा गुरुनाथ को। और ये बहुत अच्छा चेन टैकल लेफ्ट कॉर्नर से जवाहर विवेक कर्नाटका के वो कर रहे हैं। बहुत कैलकुलेटिव मूव होता है और जब चाहिए तब भी अटैक करेंगे, जब उनको लगेगा कि अपने रेंज में आया है कोई डिफेंडर तब भी वो अटैक करते हैं, कोई उनके अटैक खाली नहीं जाते। अगर उनको लगता है कि ये मुझे मेरे रेंज में नहीं है, शायद हैंड टच टो टच नहीं मिलेगा, तो वो नहीं करते। सर्विसेज का डिफेंस बिल्कुल संयम बरतता हुआ, यहाँ पे कोई गलती नहीं। मुझे ये थोड़ा सा डर है गौतमी कि सर्विसेज या नॉर्थ इंडिया के प्लेयर्स या वहाँ की टीमों को ये स्लो गेम ज़्यादा पसंद नहीं है या ज़्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि साउथ इंडिया की जो टीम्स है वो बहुत कैलकुलेशंस के साथ कबड्डी खेलती है, और हो सकता है कि ये जो शांत या स्लो गेम किया हुआ है कर्नाटक ने, ये कहीं जाके उनको सही टाइम पे मैच में वापसी करा सकता है। लेकिन इस दौरान प्रशांत राय की और एक टैकल, दोनों एंकल में डाइव किया था, बिल्कुल मौका नहीं प्रशांत राय को। सही टाइमिंग यहाँ पे नितेश कुमार का था राजू, फिर एक बार मोनू गोयत लगातार रेड करते जा रहे हैं अपनी टीम के लिए और पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। और ये अच्छा टाइमिंग इस बार राजगुरु का, सुब्रमण्यम राजगुरु इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब मोनू गोयत बोनस करने की कोशिश करते हैं, और सही टाइम पे ब्लॉक किया सामने से, मोनू गोयत को बिल्कुल मौका नहीं। दोनों ही ओर से बहुत ही पेशेंस दिख रहा है राजू, बहुत ही कैलकुलेटिव होके खेल रही दोनों ही टीमें। सर्विसेज के लिए ये स्टाइल ज्यादा सूट नहीं होता स्लो गेम का, वो बहुत फास्ट खेलना चाहते हैं, काफी स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब कर्नाटक ने ये मैच स्लो किया है तो उनको भी स्लो खेलना पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में सर्विसेज के रेडर्स को चाहिए डू और डाई रेड में ही कोशिश करें पॉइंट लेने की। डिफेंस तो ऐसे सर्विसेज का यहां पे बिल्कुल सेट हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के खिलाफ सुरजीत ने बहुत ही बढ़िया टैकल की थी, लेफ्ट कवर और राइट कवर दोनों प्लेस में खेलते हुए उन्होंने अनूप कुमार संदीप नरवाल जैसे रेडर को भी पूरा नाकाम कर दिया था। सेमीफाइनल में कर्नाटक ने महाराष्ट्र के अगेंस्ट कितने सारे बोनस और सुपर रेड्स किए थे राजू, लेकिन इस मैच में सर्विसेज का डिफेंस उन्हें ऐसा कोई भी मौका नहीं दे रहा। इसका और एक कारण हो सकता है गौतमी, लगातार दो मैच खेलना और वो भी इतने बड़े टीमों के अगेंस्ट, ये थोड़ा फिजिकली टोल लेता है। पहली मैच भी काफी फास्ट हुई थी कर्नाटक और महाराष्ट्र की सेमीफाइनल, और सिर्फ डेढ़ घंटे के अंतराल के बाद ये अब फाइनल खेल रहे हैं, तो शायद इसका भी इफेक्ट होता होगा कर्नाटक के रेडर्स के ऊपर। सर्विसेज भी ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सर्विसेज बहुत ही फिट टीम होती है, राउंड द ईयर 12 महीने उनका एक्सरसाइज और कैंप्स और साथ में खेलना ये चला रहता है, और जवान है तो वो उतने ही फिट होते हैं। इस पे बीच सुकेश हेगड़े ने एक हैंड टच कर लिया है लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, देखिए स्लोली स्लोली पिकअप हो रहा है कर्नाटका का गेम, सिर्फ चार डिफेंडर बच गए अभी सर्विसेज के, अगर ये ऑल आउट हो जाता है तो स्कोर बहुत करीब आ जाएगा। बिल्कुल लग रहा है कर्नाटक बूंद बूंद से सागर बनाने की कोशिश में। इस दौरान ये देखना बहुत जरूरी है, जो गलतियां महाराष्ट्र ने की थी वो गलतियां कर्नाटक नहीं कर रहे हैं,
बहुत ही अच्छी टैकल नितिन तोमर की इस बार, उनके डिफेंस से बिल्कुल पॉइंट नहीं लीक हो रहे, जो कि महाराष्ट्र के डिफेंस में से काफी पॉइंट चले जा रहे थे। कर्नाटक के डिफेंस ने अभी बहुत स्टेडी रहना सीख लिया है और बिल्कुल पॉइंट नहीं दे रहे। सर्विसेज का टीम का डिफेंस, क्या प्रशांत राय ब्रेक कर पाएंगे? रेडर कोई मौजूद नहीं है सर्विसेज के कोर्ट में, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है सर्विसेज के लिए। अगर ये ऑल आउट हो जाता है तो काफी क्लोज आ जाएंगे कर्नाटका चेस करते हुए, लेकिन उसी के साथ सुपर टैकल का भी मौका है। इस सिचुएशन में ये देखना भी मनोरंजक होगा कि डुओ और डायरेक्ट पहले किसकी आती है। एग्जैक्टली अभी यही रणनीति चल रही होगी दोनों टीमों के बीच। हाफ टाइम करीब है और इसके पहले जिसकी डू और डाई रेड पहले होगी उसको कोई ना कोई करना ही पड़ेगा उस रेड में। बहुत डीप जाके रेड सुकेश की, राइट कॉर्नर पे सुरजीत खड़े हैं। और सक्सेसफुल हुए हैं सुकेश हेगड़े इस बार, बहुत देर तक रेड की, बहुत फुटवर्क के साथ डिस्टर्ब किया और कॉर्नर को आखिर हैंड टच करके सफल हो गए। सुरजीत बोनस की कोशिश की थी शायद। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्लो गेम सूट नहीं करेगा सर्विसेज को, और कर्नाटक स्लोली स्लोली एक एक पॉइंट करके कोशिश करेंगे आगे आने की, शायद उसमें सक्सेसफुल नजर होते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटका। सिर्फ दो डिफेंडर सर्विसेज के और फिर एक बार सुकेश हेगड़े, पिछले रेड में पॉइंट लेके गए थे लेकिन इस बार कॉर्नर पे है सुरजीत, भारत की तरफ से खेलने वाले सुरजीत, लेकिन महेंद्र की तरफ से सुकेश हेगड़े का ब्लॉक करने की कोशिश। और इसी के साथ हाफ टाइम, सर्विसेज 15 कर्नाटक 9। सुरुआती 15